আছে। সৰু অৱস্থাতে মোৰ ঘৰ তাতে আছে, বৰগো পূৰ্ণামুখত। তাতে সৰুতে ব্ৰিটিছৰ জাহাজ ঘাট জেপিয়াটো যে আছিল তাত আছে। মোৰ হাবি 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা গৰা খুৱাই লৈছে, আৰু উজনি অসমৰ প্ৰথম ৰেলৱে লাইন আৰু জাহাজ ঘাটত ককিলামুখ বৰগোপতে আছে। অকল অসমৰে নহয়, ভাৰতৰে নহয়, তাত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীকৰ দ্বাৰা অধ্যয়ন কৰিলে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ তাত অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে মেচিন লৈ আহিছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক, পুনে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন থাইলেণ্ড, চাইৱান, জাৰ্মানী, জাপান, USA পৰা আহিছে। তেওঁলোকে তাত অধ্যয়ন কৰি উপলব্ধি কৰিছে প্ৰকৃততে সেই গছবিলাকে পানীটো কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰে। আগত সেই নদ নৰ্দমাবিলাক, বিল বগৰাবিলাক শুকাই যায়, এতিয়া নুশুকোৱা হৈ গৈছে। হাতী আছে, বাঘ আছে, বিলুপ্ত পৰ্যায়ৰ কুকুন আছে, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন চৰাই, ভাৰতৰ শতকৰা 80% চৰাই তাত থাকে। তাতকৈ ডাঙৰ কাম গড়টো আহে, তেওঁ গড়ৰ যেতিয়া আহে তাৰপৰা কাজিৰঙাৰ পৰা মোৰ হাবিৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ, নিজে এজোপা গছপুলি ৰুব লাগিব, আৰু যিমানবোৰ বন্ধু বান্ধৱী মাতিব তেওঁলোকক এজোপা গছপুলিও পৃথিৱীখন সোনকালে সেউজীকৰণ হ'ব, আৰু তেতিয়া আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম। কাৰণ COVID-19 তাক শিক্ষা দিছে যে অক্সিজেনৰ অভাৱতে মানুহ মৰিছে, অন্য কাৰণটো মৰা নাই। যে অক্সিজেন কোনে দিয়ে? গছেহে দিয়ে। গছৰ বিনে প্ৰাণী জগত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, সেই কথাটো মনৰ কাৰণ দৰকাৰ। Friends, Jai Shri Krishna. My name is Deepak Gadia, and when we returned from Germany, the biggest challenge we saw was deforestation, and we were shocked to hear that 50% of the world population cooks on open fire, and 3.2 million and women die because of the smoke in the kitchen. And to solve the problem, we started promoting solar cooker, which you can see in the background. Yeah, you can cook with clean energy without creating any pollution with solar energy. And I think this is the future for the world. We are very happy that we have went on to become the world's biggest company doing solar cooking, and the system at Shirdi cooks 50,000 meals per day with solar energy. Thank you very much. Happy to join the solar movement. शेती पद्धतीमध्ये सुधारणा होण्यासाठी आम्ही स्वयंशिक्षण प्रयोग संस्थेमार्फत महिलांना सेंद्रिय शेती वनेकर मॉडेल करण्यासाठी आम्ही महिलांना तयार केलं, आणि सेंद्रिय पद्धतीनं की वनेकर मॉडेलमध्ये 1 वर्षभरामध्ये 5 व्यक्तीला जे धान्य पुरल एवढं, आणि त्याचबरोबरीनं जे त्यांच्याकडे जे जनावरं आहेत तर ह्या जनावरांचं पण व्यवस्थापन त्याच्यामध्ये व्हायला पाहिजे। तर असं आम्ही कुटुंबाचं आरोग्य अन्न सुरक्षा झाली पाहिजे, आपल्या ज्या कुटुंबामध्ये जसं शेतीमध्ये जनावरं आहेत तर त्यांच्याही अन्न सुरक्षा झाली पाहिजे। तर त्याच्यासाठी आम्ही वनेकर मॉडेलमध्ये जवळपास 25 प्रकारचे धान्य घेऊन कुटुंबाची अन्न सुरक्षा केलेली, आणि 1 वर्षभरामध्ये त्या कुटुंबाला ते अन्नधान्य पुरेल एवढं आम्ही वनेकरचं मॉडेल तयार केलेलं आहे। आणि ह्यामध्ये केल्यामुळं की एक तर आरोग्यावर होणारा खर्च वाचला आणि आरोग्य चांगलं झालं। पानी को कैसा रोका जाता है, जैसे सूखते गड्ढे और जो नाली, बरसात का पानी है तो नाली में एक सा करने के लिए करा, और
नालियों का जहाँ पानी इकट्ठा करने से क्या होता है, जो अंदर पानी बैठ जाता है तो पानी की कमी नहीं आती है। इस तरीके से मैंने महिलाओं को जागरूक किया और पानी के संकट को दूर किया। और जहाँ हैडपम्प हो तो वहाँ पे हमने हैडपम्प के आगे टंकियाँ बनवा दी, यानी वो टंकियाँ जिससे पानी रुक सके। जैसे बाहर की पक्षी है, गाय बकरी है, तो वो पी सकते हैं पानी, कहीं खराब ना हो जाए। इस संकट को मैंने इस तरीके से किया है, घर घर जाके जो पानी का संकट है। आज सबसे बड़ी समस्या है अपने प्लास्टिक कचरे की, और ये कचरा सभी जगह ज्यादा निकलता है, म्यूनिसपैलिटी बोलो कि ग्राम पंचायत। आज हम 11 ग्राम पंचायत में से इस तरह का हम प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं। वो इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि हमारे नदी नाले और जमीन वो खराब ना हो, और ये सबसे बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि हम ग्राम पंचायत के पास इतना पैसा नहीं होता, और इसका निवारण करने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, सेग्रीगेशन एक सोर्स। और इस कचरे में से हम कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं वो सबसे अच्छा होगा। अभी हम 500 से 600 किलो जितना कचरा प्लास्टिक वेस्ट हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो ये बहुत बड़ा एक मुहिम बन सकता है अगर हम सब मिलके एक साथ काम करें। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसका ज्ञान लें कि ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन कॉज हो सकता है अगर हम पर्यावरण को इस प्लास्टिक से बचाएं। Climate holders, we are empowering people through climate literacy. We are giving awareness on the importance of ecosystem and biodiversity. And through this, especially our program we conducted in 2019, Global Climate Education Month, we could reach more people by giving them literacy on the climate crisis and the importance of biodiversity. And this is a time to work, and it's our collective responsibility to tackle the climate crisis. And now we are in the verge of COVID crisis also. And let's unite behind the science to tackle climate crisis and save our world. सबसे पहले हमारी संस्था ने जो भी कार्य किए वो ये किए कि स्थानीय संसाधन आधारित स्वरोजगार का सृजन, यानी लोकल रिसोर्स बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम शुरू से ही जानते थे कि अगर हम स्थानीय संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे, जल, जंगल, जमीन और उनसे आधारित स्वरोजगार जो जन उपयोगी हों, जन के लिए उपयोगी हों, तो हमारे लिए पहाड़ों में, पर्वतीय जनपदों में और सारी दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन का निर्वहन बहुत मुश्किल हो जाएगा। Presently, I'm a law student focusing on petitioning, remodeling our laws and policies that tend to be anti-climate friendly. Our organization Zindagi has planted over 500 plus saplings over the past few years and are nurturing them too. We advocate about climate and environment friendly alternatives to climate damaging elements such as those that release CFCs. Cleanliness drives and awareness programs about reducing plastic wastage and contamination to minimal are some of our other initiatives. On this World Humanitarian Day, let's pledge to work towards slowing climate change and relieving our Mother Nature of its adversities. Scholar is working in the numerical modeling of disasters, which falls to the forecast and prediction side of it. By modeling, we are trying to formulate algorithms which help us to see a disaster before it is hitting us, so that we can reduce the impact on human and environment. We are studying on cyclones, drought cycles, heat waves,
flood events, which are all after effect of climate changes and global warming. The scientific world sincerely hope that if we are working hand in hand from now, we can prevent a catastrophe and help the earth breathe again. Let's hope for the best. Coming to the one main issue which I've been thinking is destruction of mangroves. And mangroves acts like a buffer zone, you know, they act like a wall to the harsh waves which are countered by the sea. And when you destroy it, there's a huge raise in the water which will in turn return to the city. And as an individual, I can only raise my voice in order to bring awareness about this. My podcast is a source to the make people aware about the real world problem related to environment and encourage them to take small action to contribute towards the fight against climate change. Every action matters, and I think creating awareness is the first step towards sustainability. A mindset shift is needed, and we are here for that.